कांग्रेस ने गढ़चिरौली में शहीद हुए जवानों के प्रति शोक जताया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि देश भर में इस तरह के हमले हो रहे हैं और केंद्र सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी है, केवल राष्ट्रवाद और जवान के खून के नाम पर राजनीति हो रही है। खेड़ा से खास बातचीत की हमारी संवाददाता प्रीत किरण ने, आप भी सुनिए क्या कुछ कहा। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा है मेरे साथ। सर, आज जिस तरीके से आतंकी हमला माना जा रहा है गढ़चिरौली में, किस तरीके से देखते हैं? बीजेपी राष्ट्रवाद का मुद्दा हमेशा से उठाती रही है। हम बार बार दोहराते हैं कि आंतरिक सुरक्षा, अगर आप नरेंद्र मोदी जी की विफलताओं की सूची बनाएंगे तो आंतरिक सुरक्षा उस पर नंबर एक पर रहेगी। 1086 हमले, नक्सल हमले हुए हैं पिछले 5 साल में, जिसमें हमारे जवान 193 और हमारे सिविलियंस 361 मारे जा चुके हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है और आंतरिक सुरक्षा की जो विफलता है वो फिर से सामने आपके आ रही है। राजस्थान में एक चरण के चुनाव हो चुके हैं, एक चरण के बाकी है। कल जयपुर में राहुल गांधी रैली करेंगे, क्या कुछ मुद्दे होंगे जयपुर के लिए, प्रदेश की जनता के लिए? राजस्थान के मुद्दे, वहाँ दो तरह की एंटी इनकम्बेंसी थी, एक तो ठीक हो चुकी है कि वसुंधरा राजे जी की सरकार हार चुकी है, दूसरी जिसकी वजह से बेरोजगारी का आलम वहाँ बहुत खतरनाक है, किसान बहुत ही दयनीय स्थिति में है। ये दो तीन मुद्दे ऐसे हैं जो राजस्थान की जनता की जिंदगी पर बहुत असर डालते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी सदैव इन्हीं मुद्दों पर अपनी राजनीति केंद्रित रखती है, अपना प्रचार केंद्रित रखती है। थैंक यू। तो पवन खेड़ा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कल जिस तरीके से प्रदेश में राहुल गांधी जयपुर में रैली कर रहे हैं, तो जिस एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी को लेके, चाहे वो केंद्र की हो, और जिस तरीके से प्रदेश में थी वसुंधरा सरकार को लेके, वो एक बार फिर से खुल कर आ रही है, और यही जो मुद्दे हैं वो प्रदेश में रहेंगे और पूरे देश में रहेंगे। कैमरा पर्सन अनिल कपूर के साथ प्रीत किरण सिंह, A1 TV दिल्ली।